हाय गाइस, वेलकम टू सर्कल ट्रेडर्स। सर्कल ट्रेडर्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मंडे मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये सवाल हमारा सबका मन में रहा है। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है जब फ्राइडे क्लोजिंग होता है, राइट? तो गाइस, मैं इस पूरा वीडियो के माध्यम से मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि आज का कैंडल मुझे क्या इशारा कर रहा है, वॉल्यूम बार मुझे क्या इशारा कर रहा है, ग्लोबल मार्केट मुझे क्या इशारा कर रहा है, ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रहा है। फुल्ली डिस्कस करेंगे और साथ में मंडे अगर कोई पोजीशन नहीं लेके चले हैं आप, तो मंडे किस तरीके से आप ट्रेड कर पाएंगे, ये पूरा चीज को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जो निफ्टी फ्यूचर के ऊपर मैंने वॉल्यूम बल लगाया हूँ, क्या ये निफ्टी स्पॉट पे लगेगा, नहीं लगेगा। ओके, तो मैं इसलिए फ्यूचर का चार्ट लगाया हूँ। फ्यूचर में क्या दिख रहा है हमें, एक पॉजिटिव कैंडल। क्या ये पॉजिटिव कैंडल है? नहीं। आप लोग बहुत सारे कहेंगे नहीं सर, पॉजिटिव कैंडल नहीं, नेगेटिव कैंडल है, क्योंकि रेड बार बना हुआ है, राइट? तो गाइस, रेड बार बना हुआ है बट रिकवरी कैंडल बना हुआ है। जो लो बनाया था, लो से काफी हद तक रिकवरी हुआ है। अब ये गाइस, इतने बड़ी वॉल्यूम वाला रेड कैंडल क्यों बना है? तो देखो, जब प्रीवियस डे का रेड वॉल्यूम बार से नेक्स्ट डे वॉल्यूम बार ज्यादा होता है और रेड होता है, तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगला दिन और ज्यादा डाउन आए, ठीक है? ये वॉल्यूम बार कह रहा है कि देखो, मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूँ, बाइंग पब्लिक सेलिंग आपको फेल हो सकता है, वॉल्यूम बार आपको फेल हो सकता है। तो वॉल्यूम बार को लेकर हमारा संडे को डेमो क्लास है। आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक है, लिंक के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। संडे रात को 9 बजे हम वॉल्यूम बार के ऊपर आपको डिस्कस करूंगा एज ए डेमो क्लास। ओके, तो गाइज, मैंने ये थंबनेल पे लिखा हूँ 18,500, राइट? मंडे, ये कैसे हम देख सकते हैं इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो गाइज, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्टली मैं निफ्टी का डिस्कस करता हूँ। निफ्टी एक रिकवरी कैंडल बना हुआ है। अगर आप कॉल ऑप्शन लेके चले तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक आपको पॉजिटिवली यहाँ के रिजल्ट मिल सकता है। क्यों? सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन चेन से थोड़ा सा क्लियरिटी क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? 18,350, राइट? क्या आ रहा है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,03,000 का, सॉरी 13,60,000, और यहाँ पे 18,400 पे क्या आ रहा है? 51,29,000। ओके, अब सबसे ज्यादा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये है आपको 18,400 पे, राइट? बट इस साइड में ना इतनी ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये एक प्रेशर आ रहा है ऊपर से, सेलिंग प्रेशर, राइट? इसको ध्यान दीजिए। तो ये ऑप्शन चेन आपको कह रहा है कि 18,400 पे बहुत 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 यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, नो डाउट। 18,300 पे बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है। तो ये हमारे को बहुत क्लियरली मार्केट को और बियरिश करने का चांस दिखा रहा है एज ए ऑप्शन चेन। और साथ में वॉल्यूम चार्ट भी आपको उसी तरीके से इंडिकेशन दिखा रहा है कि मंडे को यहाँ से और डाउन कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आप बताए, निफ्टी का ना 18,300 एक बेंचमार्क है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे है, जो लिंक यहाँ पे दिए हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे जो लेबल मैं यहाँ पे पोस्ट कर दिया हूँ आपको, उस लेबल के अंदर क्या लिखा हूँ कि 18,300 ये मंडे के लिए मेजर लेवल है। मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है? 18,345, राइट? यानी कि जो पी लेवल है, पी लेवल से ऊपर जगह क्लोजिंग हुआ है, ये एक मुझे पॉजिटिव बेस बन रहा है, एक रिकवरी कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है, ये एक मुझे पॉजिटिव बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेगेटिव बेस क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, इसके साथ मैं एक और पॉजिटिव बात करूंगा, जो कि जो निफ्टी का चार्ट है ना, ये आपको टेक्निकल चार्ट में सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। अब बोलेंगे सर क्या टेक्निकल चार्ट है? तो ये है हमारा मूविंग एवरेज का सपोर्ट। अब बोलेंगे सर कौन सी मूविंग एवरेज का सपोर्ट? तो इन तमाम चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए मैं आपके साथ मिल रहा हूँ 25 नवंबर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। ये 25 नवंबर वाला जो क्लास है, ये आपको अटेंड करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हम चार्जेबल है, बट आप हमारे नंबर पे संपर्क करेंगे तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है? संडे यानी कि परसों जो क्लास है वो हम फ्री में करा रहे हैं, रात को 8 बजे, वॉल्यूम विथ कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या कॉम्बिनेशन रहता है, राइट? तो तीन चीज मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। एक है 18,300 ई लेवल है, उससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है, और मार्केट का इस दौर पे 18,300, उसके बाद 18,200, ये दो लेवल था मार्केट के लिए, ठीक है? और उस लेवल को आज हम टच करते हुए देखें। देखो गाइस, अगर हमारा इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े हैं
तो यहाँ पे मैं कल जो लेवल दिया था आपको, तो कोई दुनिया में भागना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। देखो सिंपल सी चार्ट देखो, कल मैं क्या समझा था, एक मिनट में समझा देता हूँ। यहाँ पे बताया गया था कि 18,350 से नीचे कल क्लोजिंग दिया था, राइट? ओके, क्लोजिंग दिया था। तो मैं बताया था जो पी लेवल से नीचे मार्केट क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से नीचे आना चाहिए। मार्केट ओपन होती है अगर 15,350 पे नीचे अगर मार्केट मिल जाता है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट 885 एंड सेकंड टारगेट 245। ये मैं निफ्टी के लिए बताया था, राइट? और यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट में क्या देख पा रहे हैं, क्लियरली 220 तक मार्केट डाउन होता हुआ दिखाई दिया, यहीं से मार्केट में रिकवरी हुआ। ठीक है, तो मैं प्रीवियस डे के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा एडवांस डे के आ रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा पी लेवल है वो है आपको अगेन 18,300। ठीक है, अगेन 18,300। तो हमें ये देखना होगा कि मंडे मार्केट क्या इससे ऊपर ओपन हो रहा है या फिर इससे नीचे। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ मंडे हम किस तरीके से फ्रेश ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर आप कैरी फॉरवर्ड किए हैं तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसका समीकरण मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, क्या समीकरण समझाया, मुझे कैंडल से रिकवरी कैंडल लग रहा है, ऑप्शन चेन से थोड़ा बेयरिश लग रहा है, लेकिन 18,400 पे अच्छा सेलिंग प्रेशर, सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर, ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा। तो ये क्या होता है गाइस, ये होता है आपको रेजिस्टेंस। तो कभी कभी ना मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाने का पॉसिबिलिटी बनाता है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन ले रखे हो तो ये आपका एक सहारा है जो मैं समझाया हूँ। और अगर आप पुट ऑप्शन ले रखे हो तो क्या करोगे? ठीक है, पुट ऑप्शन आपको वॉल्यूम बार जो है ये आपको बहुत साथ दे रहा है कि मंडे मार्केट यहाँ से और डाउन आ सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया सीनारीज। बट इंटरडे ट्रेडिंग कब कैसे करेंगे, 18,300 से ऊपर अगर मार्केट सस्टेनेबल होता है तो यहाँ से हम पॉजिटिवली व्यू देखेंगे, कहाँ तक ना, नियर अबाउट 18,400 तक, दैट्स ऑल। अगर इसे डाउन ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से एक डाउनफॉल दिखने के लिए मिल सकता है, कहाँ तक ना, आज का जो लो बनाया था फर्स्टली टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा, दैट्स ऑल। पिन पॉइंट है 18,300। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं करना है, इसका अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। स्टॉप लॉस आप लोगों से, स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा अगर मैं खुद से ट्रेड करूंगा? तो देखो जो कैंडल यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है इसका ऊपर कैंडल पे स्टॉप लॉस रखो, जो कैंडल यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है इसे नीचे कैंडल पे स्टॉप लॉस रखो, बस। अब मैं सीधा चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे दिख रहा है, तो मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर के ऊपर जो वॉल्यूम बार लगाया हूँ तो वहाँ पे भी सेम यही कंडीशन है, रिकवरी कैंडल है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा रेड वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेड वॉल्यूम यानी कि तो गाइस सॉरी, यहाँ पे जो बात मैं कर रहा था कि बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर जगह है वो क्या है, तो बैंक निफ्टी के लिए मेजर जगह यही बनेगा आपको 42,400, ये एक मेजर जगह बनेगा। तो जो 400 का जगह है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, इससे ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो हमारा 570 तक ये टारगेट रहेगा, और 600 तक इससे नीचे आएगा तो आपको यहाँ तक यानी कि अगेन 250 तक का टारगेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बना दिया है, 600 से लेकर 200 तक। और ट्रेड कैसे करेंगे, मंडे सुबह में 400 लेवल को बेंचमार्क मान लीजिए, अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इसे लो ब्रेक करता है, हालांकि मंडे में जल्दीबाजी कूदना नहीं चाहिए मार्केट में, लेकिन एक छोटी सी टिप्स देके जा रहा हूँ, अगर 400 लेवल को 5 मिनट कैंडल पे लो बनाया और रेड कैंडल बनाया, इसे लो को ब्रेक करने के लिए आ रहा है मार्केट, जैसे ही इसका लो को ब्रेक करेगा आप एट द रेट मनी या इन द मनी में एक पुट ऑप्शन लो, और तुरंत आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर इस बेंचमार्क में मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, इस हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाइंग करोगे जिसका टारगेट विद इन 15-20 या 30 मिनट के अंदर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगा, पूरा दिन का प्रॉफिट समट लो विद इन 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हमें ये नहीं दिखना चाहिए कि इतना गैप अप होगा या इतना गैप डाउन होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, तो संभाल के ट्रेड कीजिएगा मंडे के दिन, एक अगर अच्छा दिन जाता है तो हमारा पूरा वीक अच्छा जाता है, मानते कि नहीं? ठीक है, तो मंडे के दिन फर्स्ट ट्रेड बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो आशा करता हूँ मैं जो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाया हूँ, ग्लोबल मार्केट का सिनारीज दिखाया हूँ, और जो मेजर ग्लोबल मार्केट इंडेक्सेस है उसको मैंने समझाने की कोशिश किया, जो मिली जुली संकेत है, रात जाने के बाद हमें एग्जिस्ट निफ्टी से बहुत एक क्लियर पिक्चर आ जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन होने वाला नहीं है।
तो गाइज ये वीडियो अगर आपको मंडे ट्रेडिंग सेशन पर कुछ काम देने वाला है, साथ देने वाले हैं, तो एक लाइक का बटन और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।